मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए EVS के क्वेश्चन पेपर्स लेकर के आया हूँ। EVS 201 2017 EVS 201 ई मतलब इंग्लिश होता है, ए G1 G2 P90 P97 सब कोर्स हैं। पेपर कब हुआ था? 23 मई 2017 को, लास्ट ईयर का पेपर है, रिसेंट पेपर है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सब क्वेश्चन के मार्क 5 हैं। अब चलो, आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस डाउनलोड कैसे करें। डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वीडियो देखिए, पॉज करिए 2 सेकंड के लिए, अपनी बुक में टिक कर लो कहाँ इन्वायरमेंट लिखा है, किस पेज पे है, ये सारे इंपॉर्टेंट। ये 2 पेपर आप सॉल्व कर लिए ना, ये 11 मई 2016 में हुआ था, 23 मई 2017। आप तो जानते हैं इसका मार्क जुड़ता है ही नहीं है EVS का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, लेकिन पास करना जरूरी, 40 मार्क लाना जरूरी है। चलो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, 2017 में इन्वायरमेंट साइंस क्या है, इन्वायरमेंट साइंस, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन मतलब जानते हैं, बचाने से मतलब, इन दोनों के बीच में अंतर आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ अर्बनाइजेशन हैज़ कॉज्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, नगरीकरण, जब आप शहर बनता है नया तो वहाँ की क्या जंगल काट करके नया घर बसाया जाता है, इससे क्या पर्यावरण को प्रॉब्लम होता है। पूरा पेपर केवल पर्यावरण और आसपास की चीज़ें कैसे सुरक्षित हों इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीकरण, इंडस्ट्री को लाने को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। हो गया पहला क्वेश्चन, 5 हैं, 4 करने हैं, ये दूसरा है, इसमें से कितने हैं। पहला वाटर की प्रॉब्लम की बात कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, भारत देश में बहुत वाटर शॉर्टेज चल रहा है। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगल की काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ध्यान रखना। फेब्रुअरी इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जो नई नई ग्रीन मतलब झाड़ियाँ लगाना, पेड़ पौधे लगाना, जंगल लगाने, ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। वाटर रेमेडीज कैन बी अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैरन लैंड, बैरन मतलब जो बंजर जमीन होती है जहाँ कुछ नहीं पैदा होता ना, उसको बैरन लैंड कहते हैं, तो उसको उपजाऊ कैसे करेंगे आप। हाउ डू यू डिफाइन इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इन्वायरमेंट को लेकर के कैसे और अच्छा कार्य किया जा सकता है, उसको इन्वायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन हाउस इफेक्ट 100% आता ही है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी, 100% आएगा फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब जिंदा रहने वाली चीज़ें, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हैं सब बायोडाइवर्सिटी के एक अभिन्न अंग है, पार्ट है। अगला, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक पॉलिसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। कभी कभी इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट भी नहीं कुछ लाती है जिससे कि लोग एनवायरमेंट की सुरक्षा नहीं हो पाती, पैसे नहीं मिल पाते। एक्सप्लेन हाउ स्लम एरिया कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन के भी एडवर्स इफेक्ट में उसको लिखिएगा। हाउ द स्लम एरिया कॉज एनवायरमेंटल, आप जानते हैं स्लम एरिया में लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, अपने अपने खुद के लिए लोग गंदगी फैलाकर कचरा करते हैं, तो भी एक प्रॉब्लम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर ना दिखे तो वीडियो डाउनलोड कर लेना, पॉज कर करके देखना आप लोग, और अपने मित्रों को जरूर शेयर करो, अभी पेपर है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इसको लिख देना, और सभी का आंसर एक मिनिमम एक पेज होना चाहिए, अगर 1.5 पेज लिखते तो अच्छा रहे। फंक्शन ऑफ सेंट्रल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, उसके बारे में लिखो। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बिकम अ सोशल प्रॉब्लम, ये लिखो। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, जंगल से अपने पर्यावरण की बचाव होती है, उसको लिख देना। इकोसिस्टम क्या होता है, ये क्वेश्चन आप देख लिया ना। चलिए 2016 के क्वेश्चन पेपर चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब अभी मैं 2017 में कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है 2017 में, लेकिन उसके पहले 2016 चलो देख लेते हैं। अगेन इन्वायरमेंटल आ गया ना, देख रहे हैं 2017, मैं साथ में क्यों दोनों रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों को बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट सर, इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट ये भी आएगा। कल्चरल इन्वायरमेंट ये नहीं था 2017 में लेकिन आया। कंजर्वेशन था, यहाँ भी कंजर्वेशन था 2017 में, देखो कंजर्वेशन हमने लिखा था, कंजर्वेशन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कंजर्वेशन ए प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट है ना, ये कंजर्वेशन है, ये भी कंजर्वेशन का पार्ट है ना, तो ये कंजर्वेशन है, अलग वर्ड में आ गया। वाटर पोल्यूशन आया, इसमें भी आया था, इसमें भी आया, इसमें कहाँ था वाटर पोल्यूशन, देख रहे हैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भले टॉपिक रहे लेकिन आपको लिखना है, उसे मिला जा रहा था 2016। साउंड पोल्यूशन आप जानते ही, बड़ी बड़ी मशीन से इंडस्ट्रियों से साउंड पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन 2016 में भी, 17 में, 18 में भी आने के फुल चांस है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट लेकर क्वेश्चन 2-3 आते ही आते हैं, ठीक है।
2017 में देखो, देखिए वाटर शॉर्टेज पे भी एक क्वेश्चन है, तो वाटर पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो क्वेश्चन है ये भी आता है, आपने देखा था 2017 में भी आया था फॉरेस्ट का। देखो डिफॉरेस्टेशन का ग्रीन रिवोल्यूशन है, फॉरेस्ट को लगाने की बात कर रहे हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन। अब आओ यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है उसको लिखना, फॉरेस्ट के साथ। अभी रुको, 2016-17 में और इंपॉर्टेंट फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, रुको जरा। इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग पढ़ लेना, फार्मिंग किसान के काम को लेकर कह रहे हैं। एक्सप्लेन द रेमेडीज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बैरन लैंड, बैरन लैंड यहाँ भी था, बैरन लैंड यहाँ भी है, बैरन लैंड कैसे उपजाऊ बनाया जाएगा। श्री अन्ना हजारे का मूवमेंट क्या था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को, वो आपको बताना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ भी आया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट 2017 में भी आया था, ये देखो 2017 का पेपर है। व्हाई इट इज नीडेड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हर बार आता है, इसमें भी आया है, मराठर में भी आएगा। स्लम एरिया कॉज पोल्यूशन इसमें भी था, और स्लम एरिया कॉज पोल्यूशन 2017 में भी है, ठीक है। और क्या बचा, एस्थेटिक अप्रोच टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, स्लम एरिया कॉजेस पोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन भी आएगा, जो बैरन लैंड की बात है वो लैंड पोल्यूशन है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन से अनफेवरेबल इफेक्ट जो हुए हैं ना, सेम क्वेश्चन यहाँ आया, एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। आप ये वीडियो एक दो बार अगर पढ़ भी लिए ना तो एग्जाम आराम से लिख सकते हैं। आप चलिए 2017 और 2016 के फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। एनवायरमेंट क्या है ये आएगा, ठीक है, 2017 का पेपर देख करके मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखना, जो भी देखे पूरा देख करके फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही पास हो जाओगे आप। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ों को इन्वायरमेंट कहते हैं। एक डायग्राम छाप देना जिसमें मछली, पेड़ पौधे, शेर, इंसान, जानवर, जंगल सब हैं। लैंड पोल्यूशन आएगा जैसे कचरा फेंक देते हैं, साउंड पोल्यूशन जैसे बहुत सारी चीज़ें पोल्यूशन करती हैं, आवाज़ वाला गाड़ियाँ पोल्यूशन करती हैं, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती हैं, वो हो गया है साउंड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो गंदी गंदी हवाएं इंडस्ट्री छोड़ती हैं वो सब आता है, वो लिख देना। जंगलों का फ़ायदा वो लिख देना, और जंगल काट करके लोग रहने आ रहे हैं उससे नुकसान क्या हो रहा है वो लिख देना। वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, पानी बहुत सारी गंदगियाँ हैं, हम लोग इंडस्ट्रियों के पानी छोड़ देते हैं डायरेक्ट नदियों में, और वाटर मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो पानी, जमीन, हवा और जंगल, इन सब चीज़ों को लेकर के जो पोल्यूशन होता है यही आएगा आपके पेपर में, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है और इसमें से कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मित्रों एक बार पेपर मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ 2016 इसका, आप नोट कर लीजिए अपने बुक में या कहीं पर ये कर लो। जितने क्वेश्चन इसके बाहर से 80% क्वेश्चन इसमें से ही कवर होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। 20% एक दो नए क्वेश्चन आते हैं हर बार, उसकी गारंटी कोई नहीं लेता है। आप लोग ये वीडियो देख करके अपने कमेंट्स दीजिए, वीडियो लेट करने के लिए बहुत बहुत सॉरी। जय श्री राम।